हेलो फ्रेंड्स, आई एम पल्लवी एंड वेलकम टू पल्लवीज किचन। आज हम बनाएंगे एक साउथ इंडियन डिश जो ना सिर्फ साउथ इंडिया में फेमस है बल्कि पूरे भारत में पसंद की जाती है, और इसका नाम है मसाला डोसा। मसाला डोसा बनाने के लिए हमने लिया है 1 कप डोसा बैटर। डोसा बैटर बनाने की फुल रेसिपी मैंने अपने चैनल पर शेयर की है, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, अगर आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। इसके बाद एक मीडियम साइज़ का आलू, जिसे हमने पहले बॉईल कर लिया है और फिर अच्छे से मैश कर दिया है। एक मीडियम साइज़ का प्याज, जिसे हमने लंबा लंबा कट कर लिया है। 6 से 7 कड़ी पत्ते, 1 छोटा चम्मच राई के दाने, 1/4 छोटा चम्मच मेथी के दाने, 3 छोटे चम्मच तेल, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वादानुसार और 1 पिंच हींग। अब सबसे पहले हम गैस पे कढ़ाई गरम करने रख देंगे। इसमें डालेंगे 2 छोटे चम्मच तेल। तेल थोड़ा गरम हो जाने पे इसमें डालेंगे राई के दाने और साथ ही में मेथी के दाने भी। इन्हें थोड़ा सा भून लेंगे। अब इसमें डालेंगे हींग और कड़ी पत्ते। इन्हें भी 3 से 4 सेकेंड थोड़ा चला लेंगे। और अब इसमें डालेंगे प्याज। थोड़ा चलाते हुए हम प्याज को भून लेंगे। हमें प्याज को थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। तो अब प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है और अब हम इसमें डालेंगे मैश किए हुए आलू। साथ ही में डालेंगे हल्दी पाउडर और इसके बाद अब डालेंगे नमक। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब 2 मिनट इसे इसी तरीके से चलाते रहेंगे ताकि सभी मसाले आपस में अच्छे तरीके से मिल जाए। तो ये बनके तैयार है हमारे डोसे के लिए मसाला फिलिंग। अब मसाला डोसा बनाने के लिए हम डोसा पैन को सबसे पहले गरम करने के लिए रख देंगे और इसके बाद इस तरीके से कट किया हुआ आलू हम पैन पे एक बार घुमा लेंगे। ऐसा करने से डोसा नीचे चिपकेगा नहीं और पैन से आसानी से पकने के बाद निकल आएगा। गैस की फ्लेम हम लो ही रखेंगे क्योंकि तवा हमारा बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडा दोनों भी नहीं होना चाहिए जब हम इस पर डोसे का बैटर डालेंगे। 1 से 1.5 बड़ा चम्मच बैटर हम इस पर डालेंगे और एकदम हल्के हाथों से हम इसे बीच से गोल गोल घुमाते हुए बढ़ाएंगे ताकि बीच से डोसा मोटा ना रह जाए। ये देखिए, हमने डोसे को अच्छी तरीके से फैला लिया है। अब हम गैस की फ्लेम मीडियम हाई कर देंगे और डोसे के साइड्स और बीच में थोड़ा सा तेल डालेंगे ताकि डोसा क्रिस्पी बन सके। अब डोसे को पकने देंगे जब तक कि डोसे की साइड्स अपने आप से निकलने ना लगे। तो आप देख सकते हैं कि डोसा साइड से अपने आप निकलने लगा है, यानी हमारा डोसा पक के अब तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे हमारे डोसे की मसाला फिलिंग। मसाला फिलिंग हम सेंटर में डालेंगे और आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा या कम फिलिंग डाल सकते हैं। मसाला फिलिंग डालने के बाद हम डोसे को इस तरीके से रोल कर देंगे। तो ये रोल होके हमारा मसाला डोसा अब तैयार है। आप इसे कोकोनट चटनी या सांभर के साथ सर्व कीजिए और अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर लिख के भेजिए। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।